एटीएस के वो 15 सवाल और सीमा सचिन के जवाब, खुलेगा इस लव स्टोरी का हर राज। सीमा हैदर और सचिन मीना की प्रेम कहानी का नया मोड़ आ गया है। अब एटीएस ने सीमा और सचिन से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। एटीएस के सामने कुछ सवाल हैं जिनके वो जवाब तलाश रही है। इस बाबत पूछताछ भी चल रही है। जानिए क्या है वो 15 सवाल। सीमा हैदर और सचिन मीना, इन दोनों की प्रेम कहानी के चर्चे के साथ साथ आज कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सीमा पबजी खेलते हुए सचिन से संपर्क में आई और प्यार हो गया। इसके बाद वो सरहदें पार करते हुए भारत आ गईं। वो अपने साथ 4 बच्चे भी लाई, ये दावा है खुद सीमा हैदर के। मगर अब जो सवाल उठ खड़े हो रहे हैं, उनसे सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर आ गई हैं। एटीएस ने सीमा और उनके प्रेमी सचिन और सचिन के पिता से पूछताछ की। सीमा सचिन की कहानी के बारे में आगे कुछ बताने से पहले उन सवालों के बारे में बताते हैं जिनके जवाब एटीएस को तलाशना है। सीमा सचिन की पहली मुलाकात कब और कैसे हुई? क्या दोनों सचमुच में पबजी पर पहली बार मिले थे? सचिन से मिलने से पहले सीमा का सच क्या था? सोशल मीडिया पर कहां कहां सीमा का अकाउंट है और उनकी व्हाट्सएप चैट में क्या कुछ है? सचिन से पहली बार मिलने फिर भारत आने तक सीमा किन किन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करती थी? बचपन से लेकर भारत आने तक का सीमा की पूरी कुंडली क्या है? कराची से शारजा और शारजा से काठमांडू तक का सफर की कहानी क्या है? काठमांडू के किस होटल में सचिन के साथ सीमा रुकी थी और किस मंदिर में शादी कब और कहां की? पाकिस्तान में सीमा ने जो अपना घर बेचा उसके क्या सबूत है? सचिन और उनके पहले पति गुलाम हैदर का सच क्या है? साथ ही उनके 4 बच्चों की हकीकत क्या है? सचिन से मिलने के बाद सीमा की हिंदी अच्छी हुई या पहले से ही अच्छी थी? पाकिस्तान में रहने के दौरान क्या सीमा कोई पाक एजेंसी के संपर्क में थी? क्या पबजी या दूसरे गेमिंग ऐप पर सचिन से पहले भी सीमा का कोई दोस्त था? और आखिरी सवाल, पिछले कुछ सालों में सीमा कौन कौन से मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रही थी? आज तक मीडिया की माने तो इसी साल मार्च में पहली बार सीमा और सचिन की काठमांडू में मुलाकात और काठमांडू के उस होटल की जानकारी नोएडा पुलिस पहले से ही हासिल कर चुकी है। जिस मंदिर में दोनों ने शादी की थी उसकी जानकारी भी नोएडा पुलिस के पास है, मगर ये सब जानकारी नोएडा पुलिस ने काठमांडू में अपने सोर्सेस से हासिल की थी। तो क्या नेपाल जाएगी एटीएस की टीम? अब चूंकि मामले की जांच एटीएस को सौंप दी गई है, लिहाजा इस बात की उम्मीद है कि एटीएस की एक टीम नेपाल जाएगी। एटीएस की टीम शारजा एयरपोर्ट के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में भी जरूरी जानकारी हासिल करेगी। हालांकि सीमा और उनके बच्चों के जो पासपोर्ट मिले हैं उनमें 5 के पासपोर्ट पर यूएई और नेपाल के वीजा हैं। पासपोर्ट पर यूएई और काठमांडू के इमिग्रेशन के मुहर भी है। यूपी एटीएस के सूत्रों के मुताबिक उनके लिए सबसे जरूरी है सीमा के मोबाइल डिटेल्स खंगाल कर सच को बाहर लाना, खासकर तमाम व्हाट्सएप कॉल और चैट्स को परखना। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल सीमा और सचिन से यूपी एटीएस की नोएडा यूनिट की टीम ही पूछताछ करेगी। अगर जरूरत पड़ी तो लखनऊ यूनिट की मदद ली जा सकती है। सीमा फिलहाल जमानत पर है और जमानत की शर्त ये है कि वो सचिन के इस घर को छोड़कर कहीं और नहीं जा सकती। उनका और उनके बच्चों का पासपोर्ट यूपी पुलिस के पास है, सचिन का पासपोर्ट तो अब तक बना ही नहीं है। यूपी एटीएस के एक अफसर ने आज तक मीडिया को बताया कि वो अपनी पूरी जांच रिपोर्ट लखनऊ पुलिस मुख्यालय को देंगे। इसके बाद वो रिपोर्ट दिल्ली के गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी, फिर उसी रिपोर्ट के आधार पर सीमा की किस्मत का फैसला होगा, यानी सीमा भारत में सचिन के साथ ही रहेंगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस न करें, और लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।